हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर मैंने दिया हुआ है 7696180020। इस नंबर पे मुझे आप अपना नाम और जगह का नाम लिख के व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूँगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आया था, ए सैम्पल ऑफ 17 मेजरमेंट ऑफ द डायामीटर ऑफ ए स्फेरिकल पार्टिकल गिव द मीन 5 माइक्रोमीटर एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 माइक्रोमीटर। Assuming t-statistic for 16 degree of freedom, t 0.05 is equal to 2, then 95% confidence limit of actual diameter r। तो ये क्वेश्चन जो है वो सेम फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व होगा, जिसकी हेल्प से हमने पहले क्वेश्चन सोल्व किए हैं। सिंपली फॉर्मूला आपको अब याद हो ही गया होगा, फॉर्मूला फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए कॉन्फिडेंस इंटरवल विद द टी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला ये आपको ने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं इस पर। एक्स बार प्लस माइनस टी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई अंडर रूट एन। एक्स बार मीन है, टी जेड स्कोर जो आपको दिया हुआ है 2, स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी और एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंपली अब इस फॉर्मूला में हम अपनी सारी वैल्यू पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। 5 मीन दिया हुआ है प्लस माइनस 2, यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल जो दिया हुआ है 95% के लिए, 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 17, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 17 है। 0.5 डिवाइड बाय अंडर रूट 17 कितना होता है 0.121। 2 इंटू 0.121 कितना होता है 0.242। अब ये जो आपका वैल्यू आया है ये हमने 5 से एक बार माइनस करना है और एक बार प्लस करना है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4.75, प्लस करेंगे तो कितना आएगा लगभग 5.25। इसको हमने जो आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कर लिया है, वरना ये इतना ही आएगा 5.242, बट आपके ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है तो हमने इसको 5.25 कर लिया है। तो इस टाइप से आप बड़ी आसानी से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला पे कितनी बार क्वेश्चन आए हैं ये तो आप देख ही चुके हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, नोटबुक में लिख लिख के इन क्वेश्चन को आप कीजिए। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, बार बार क्वेश्चन का स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आना शुरू हो जाएगा। आप फॉर्मूला सही लगाएंगे, कैलकुलेशन सही करेंगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही होगा। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।